पुणे बंगोपसागर में दाना बांधुची बात्या। 27 तारीख में सृष्टि हेब बात्या। मौसुमी अपसारण पर सृष्टि हेब एहा द्वितीय बात्या। बात्या दानार प्रभाव एसाए मनरु निधि नथिबा पळे एबे बंगोपसागर टरालाणी आउ एक बात्या। गभीर अवपात्रे परिणत हो लघुचाप बात्यारे परिणत हेब एने सूचना देछि पाणीपाग विभाग। नवेम्बर 27 तारीख अर्थात आसंता काली सृष्टि हेब बात्या। आज दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर गभीर अवपात्रे परिणत होइछि अवपात। एबे ताहा उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुछि जहाँ आसंता काली बात्यार रूप नेब। बात्या होई से समान दिग उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करि तमिलनाडु उपकूल निकटवर्ती हेबार संभावना रहिछि। एने पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दिएछि। दुई दिन भितरे अर्थात नवंबर 29 बेलकू तमिलनाडु उपकूल निकटवर्ती हेबा नै आकलन कराउछि। यहार तीव्रता और गतिपथ उपरे नजर रखिछि पाणीपाग विभाग। संभाव्य बात्यार प्रभाव केते रहिब एवं लैंडफॉल बेले केते पवन रहिब किंबा वर्षा केते हेब से नै परवर्ती समय रे सूचना दिआजिब। तबे बात्या प्रभाव रे राज्य रे बदलिब पाग। 28 रु राज्य रे कोहला पाग। 28 तारीख रे केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर पुरी गजपति गंजाम रे हालुका वर्षा हेब। नवेम्बर 29 रे बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर गंजाम और गजपति रे हालुका वर्षा हेब। उपकूल संलग्न जिले में कोहला पाग देखा मिल। संभाव्य बात्या प्रभाव में दिन तापमात्रा ह्रास घटव। 30 और 31 तारीख में उपकूल ओडिशा समेत दक्षिण ओडिशा रे हालुका वर्षा होगा नहीं संभावना रही। एने आकलन कर आंचलिक पानीपाग विभाग। ब्यूरो रिपोर्ट समय लाइव।